ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है, क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, सेकंड नंबर है विच इज ग्रेटर, ग्रेटर में कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, ये हमको बताना है। उसके लिए हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 1/2 ऑफ 6/7 इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू 6/7 होता है, इसका मतलब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 × 6/2 × 7, ओके 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 7 × 1 = 7, ठीक है 3/7 आ गया। सेकंड क्या है, 2/3 ऑफ 3/7, 2/3 ऑफ 3/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 3/7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 × 3/3 × 7, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1 से दोनों डिवाइड हो गया इक्वल टू 2 × 1 = 2 और 7 × 1 = 7। 3/7 और 2/7 इसमें देखिए इसमें क्या है कि यहाँ वैल्यू जो आया इसे डिनोमिनेटर सेम आया, ठीक है डिनोमिनेटर सेम आया तो हमको एलसीएम और ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिख सकते हैं सिंस, सीधा हम यहां लिख सकते हैं सिंस 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7, ठीक है जिसका न्यूमेटर, यदि डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमेटर ज्यादा होगा बड़ा होगा वही बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है तो 3/7 बड़ा होगा 6/7, सो ठीक है तो हम नीचे आराम से लिख देते हैं, सो क्या होगा 3/7 बड़ा है, 3/7 का वैल्यू 1/2 ऑफ क्या है, 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन, ठीक है किससे ग्रेटर देन है, 2/3 ऑफ 3/7, 2/3 ऑफ 3/7 से 1/2 ऑफ 6/7 जो है क्या है बड़ा है, इजीली ये सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है।